हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लुथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज बात करने वाली हूँ हाथों की झुर्रियों को किस तरह से आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी महंगे महंगे सीरम्स और मॉइस्चराइज़र के दूर कर सकते हैं, अपने हाथों को 10 साल जवां बना सकते हैं। जी हाँ, फेस के लिए जितनी महंगी महंगी क्रीम्स आप खरीदते हो, हाथों पर वो काम नहीं आती, बिकॉज हाथों की स्किन फेस से ज़्यादा सख्त होती है और उसे ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ, जो कि आपके हाथों के रिंकल्स को, उनके बुढ़ापे को, डार्क स्पॉट्स को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करेगा एंड आपको असर दिखेगा विद इन फर्स्ट यूज़ से ही। और मैं आपको लाइव नतीजे दिखाने वाली हूँ, अपने हाथ पर करके दिखाने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इस रेमेडी के। बस आपको इसको कंटिन्यूसली फॉलो ज़रूर करना है ताकि रिजल्ट्स जो है वो बरकरार रहें और भी ज़्यादा बढ़ते जाएँ और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो जाए। ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं अपने पैरों पर भी, गर्दन अगर बहुत काली है या बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ती जा रही है गर्दन पर, या फिर अगर आपकी नीज़ एल्बोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं वहाँ भी कर सकते हो। इवन लिप्स अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या ब्लैक हैं वहाँ भी कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ रेमेडी है ये, लेकिन बहुत सिंपल है। तो इस ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्क्रबिंग एंड सेकेंड इज़ द मॉइस्चराइजेशन, जो कि डीप मॉइस्चराइजेशन है आपकी स्किन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉइस्चराइज़र है, मतलब ड्राई से ड्राई स्किन को भी, फटी कटी स्किन को भी, रिंकल्स वाली स्किन को ही एक ही बार में इतना अच्छा बूस्ट देता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रबिंग बताती हूँ कैसे करनी है। दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमारे सबके घर पर होते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मलाई, हम सबके घर पर मलाई होती है। अगर आप टोंड दूध लेते हो, मलाई नहीं आती है, तो फिर आप नारियल तेल लोगे, अदरवाइज़ मलाई लोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ ली है 2 चम्मच दूध की मलाई। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चीनी। चीनी मेरी बारीक वाली है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा मोटे ग्रैन्यूल्स हैं तो आप पीस लीजिएगा चीनी को। तो 1.5 चम्मच चीनी मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते जाना है, तब तक मिक्स करते जाना है जब तक कि चीनी के ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे छोटे नहीं हो जाते हैं। मतलब एकदम से मिक्स भी नहीं हो जानी चाहिए चीनी, और ग्रैन्यूल्स बड़े भी नहीं होने चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रखनी है। ये देखिए, ग्रैन्यूल्स पूरी तरह से अभी डाइल्यूट नहीं हुए, लेकिन हल्के हल्के छोटे छोटे रह गए हैं। ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। तो ये स्क्रबिंग का प्रोसेस आपको हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है, रोज़ाना नहीं करना। ये स्क्रब आप बना के भी रख सकते हो डिब्बी में भर के, 10 दिन के लिए, ख़राब तो होगा नहीं, ये फ्रिज में रखिएगा। तो ये स्क्रब आप कीजिए अपने हाथों पर, पैरों पर, जहाँ की भी स्किन पर आपको रिंकल्स दिखते हैं वहाँ आप इस स्क्रब को लगा सकते हैं। एक ही बार में गज़ब के नतीजे देता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सॉफ्ट एंड प्लम्पी हो जाती है, और रिंकल्स तो मानो गायब से ही हो जाते हैं। नकल्स का रंग निखरता है इनसे, और नकल्स की स्किन आसपास से जो बहुत ड्राई होती है वो भी ठीक हो जाती है। अब आप पूछोगे कि इसे फेस पर लगा सकते हैं या नहीं। देखो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप फेस पर इसे ज़रूर लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, या बहुत ज़्यादा आपकी मिक्सचर है स्किन, लाइक ऑयली एंड सेंसिटिव, या फिर ऑयली एंड नॉर्मल स्किन का मिक्सचर है आपकी स्किन, तो नहीं लगा सकते हो। सिर्फ इसे ड्राई स्किन वाले अपने फेस पर लगा सकते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे उनको। उनकी स्किन बहुत ही चमकदार भी होगी, रिंकल्स भी रिड्यूस होंगे, और साथ ही साथ ग्लो बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाथों पर मसाज कर लेनी है, और उसके बाद गर्म पानी में अपने हाथों को आपने वॉश करना है। कोई साबुन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, सिर्फ गर्म पानी में आप अपने हाथों को वॉश कीजिए। और ये देखिए, मेरा हाथ देखिए आप, दोनों हाथों में फ़र्क भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा निखार आ गया है, बहुत सॉफ्ट स्किन हो गई है, और रिंकल्स भी नहीं दिख रहे हैं, स्किन वाइटन भी हुई है। तो ये कमाल है इस स्क्रब का। सिर्फ एक पार्ट हुआ है अभी हमारी रेमेडी का, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। सोचो, वो अगर आप रोज़ाना करोगे तो क्या नतीजे आपको मिलने वाले हैं। आपकी स्किन रिंकल लेस होने वाली है। 50-60 की एज में भी अगर आप हो, या 30-40 की एज में हो जब रिंकल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या 50-60 में तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं,
किसी भी एज में आप इसे लगा सकते हो, इनफैक्ट बच्चों को भी लगा सकते हो। कई बार बच्चे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी में खेलते हैं कई बार, तो उनके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनको भी लगा सकते हो। सेफेस्ट रेमेडी है, मतलब इससे सस्ता, इससे बढ़िया, इससे टिकाऊ और इससे उपयोगी चीज़ आपकी हाथों के लिए, पैरों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। चलिए अब बता देती हूँ आपको डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन आपको कैसे बनाना है अपने हाथों के लिए। मॉइस्चराइज़र बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जो कि बड़े फैंसी फैंसी इंग्रेडिएंट्स वाले होंगे, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र के आगे सारे मॉइस्चराइज़र फेल हैं, बिकॉज़ ये तो कमाल ही करता है आपकी स्किन के लिए। और विद इन 2 डेज़ या विद इन 1 डे आपको रिजल्ट देता है, रिंकल्स आपको रिड्यूस होने दिखने शुरू हो जाते हैं अपनी आँखों के सामने। मैंने कई लोगों को ये रेमेडी बताई और लोग कहते हैं कि पूजा हमारे हाथ हमारे फेस से भी अच्छे हो गए हैं, तो ये कमाल है इस रेमेडी का। चलिए बताती हूँ कैसे बनाना है। इसके लिए आपको लेना है घी, देसी घी, घर का बनाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पाते हो घर में मार्केट वाला देसी घी लेना 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। इसमें आप मिलाना 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में होता है ढेर सारा विटामिन ई, और जो देसी घी है उसमें बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकते हैं, जी हाँ, एजिंग को डिले करते हैं, और घी से स्किन बहुत लंबे समय तक मॉइस्चराइज्ड रहती है। तीसरी चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट का काम करती है, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करती है, जिससे रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह नहीं आती हैं। और चौथी चीज़ है वैसलीन। अगर हाथ बहुत ही ज़्यादा कटे फटे हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी स्किन है, तो वैसलीन अपना काम करती है। तो ये चारों ही चीज़ें आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, साथ ही मॉइस्चर को लॉक भी करती हैं। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, बाय द वे, अगर एक आधा कोई इन्ग्रीडियंट आपके पास नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट भी मिल जाते हैं आपको इन चारों में से, तो काफ़ी है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और ये क्रीम आपकी चलेगी। कितनी देर तक चलेगी? 2 महीने भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़े से अमाउंट में लगती है ये जो इतना अमाउंट मैंने बनाया ना, ये मेरा 1 से 1.5 महीने चलेगा, आराम से चलेगा। और मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब लगाना होता है तो हल्का सा बस एक ड्रॉप लेती हूँ, हाथों में ही वार्म करती हूँ और फिर अपना यूज़ करती हूँ इसे अपने हाथों पर रात को सोने से पहले रोजाना। तो बिल्कुल जरा सी लेनी है आपने ये लोशन, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर चिपचिप करेगा। इतना सा ही काफ़ी है, आपका पैसा भी बच रहा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही है। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेना है, अपने हाथों को अच्छे से मसाज कर लीजिए इस मॉइस्चराइज़र से, और रात को सोने से पहले ही इसको लगाना है। दिन में भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रात को लगाओगे पूरी रात आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। दिन में जितना मर्जी पानी का काम करो, जितना मर्जी आप मिट्टी वाला काम करो, आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, आपके हाथों की जो कोमलता है वो बरकरार रहेगी और ड्राइनेस, रिंकल्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। सिर्फ रात को ही करो ट्रीटमेंट, और हफ्ते में 2-3 बार आपने स्क्रबिंग करनी है, बस इतना कर लो। यकीन मानना, मतलब महंगे से महंगा ट्रीटमेंट इस हैंड ट्रीटमेंट के आगे फीका है, बिकॉज रिजल्ट इसके फर्स्ट टाइम में मिलते हैं और ये रिजल्ट्स कायम रहते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इस रेमेडी को फॉलो करते रहते हो। देखो, मार्केट से भी हम कुछ मॉइस्चराइज़र खरीदते हैं तो हम उसे लगातार लगाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन लगाते हैं और छोड़ देते हैं। तो एक दिन लगा के छोड़ना नहीं, इसे कंटिन्यूसली होल लाइफ आप फॉलो करो, मैं तो ये कहूँगी। आपके रिंकल्स आएंगे ही नहीं, हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे जैसे आप 20 साल 25 साल के हो। आप देख सकते हो मेरे हाथ का ग्लो कितना बढ़ जाता है जब ये ट्रीटमेंट्स करती हूँ, तो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसको ज़रूर यूज़ करना, एंड यूज़ करके रिजल्ट्स मेरे साथ आपने शेयर करने ही करने हैं। इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हो, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आज के लिए तो इतना ही, लेकिन कल मिलूंगी बहुत ही प्यारी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।